राधे फॉर श्योर, सलमान राधे खान सलमान एंड गंगूबाई। सलमान खान है वो, उसका नेम ही एक ब्रांड है। KGF कब आएगी कब आएगी? ऑल्सो आई एम अ रोहित शेट्टी फैन। आलिया भट्ट का फैन नहीं, उसके एक्टिंग का फैन हूँ मैम। अच्छा, आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत मस्त है, उसको खून में एक्टिंग मिली है। अरे कुछ भी हो जाए, आलिया भट्ट दमदार है और दमदार ही रहेगी। नहीं नहीं थिएटर में ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है, उसकी मूवी मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं शाहरुख खान का ही फैन हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा सलमान खान का ज़्यादा फैन हूँ। सबसे पहले तो फीफा वूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। यू नो बहुत सारी मूवीज़ लाइनअप है आने वाली है थिएटर्स में, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा आने वाली है, गंगूबाई का ट्रेलर अभी हमने देखा, और पठान आने वाली है शाहरुख खान की, सलमान खान की राधे आने वाली है। तो कौन सी मूवी देखने के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? राधे फॉर श्योर, सलमान खान एंड गंगूबाई। या ओके, तो शाहरुख खान की जो पठान मूवी आने वाली है उसमें सलमान खान भी हैं केमियो में, तो क्या लगता है सलमान और शाहरुख की अगर बात करें तो दोनों की मूवीज़ में से अगर टक्कर की बात करें तो कौन ज़्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाली है? सलमान फॉर श्योर, फॉर श्योर 101%। सलमान खान है वो, उसका नेम ही एक ब्रांड है। ओके, तो अभी क्योंकि कोविड चल रहा था, कोई ज़्यादा मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई, तो सलमान खान की मूवी आप कहाँ देखना पसंद करेंगे? थिएटर फॉर श्योर, थिएटर थिएटर में। कुछ बोलना चाहेंगी आपने फेवरेट सलमान खान के लिए? लाइक पता नहीं, बस एक बार मिलने मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होगी। लाइक राधे तो ब्लॉकबस्टर होने ही वाली है, वो तो 100%। थैंक यू, वेलकम। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। यू नो बहुत सारी मूवीज़ लाइनअप हैं, फॉर एग्जांपल गंगूबाई आने वाली है, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ हमने देखा, पठान, राधे, तो सत्यमेव जयते 2, आप कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? गंगूबाई, गंगूबाई बिकॉज ऑफ आलिया भट्ट। ओके, तो ट्रेलर अगर आपने देखा हो गंगूबाई का तो आपको कैसा लगा? मतलब आलिया भट्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर रोल्स व्हाट शी हैड डन पास्ट, सो या दैट्स द रीज़न मेनली फॉर मी बीइंग वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ओके, तो ऐसा बोला जा रहा है यू नो जो उनका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है इसके बारे में कि बहुत सारे जो उनके फैंस हैं वो तो पसंद कर रहे हैं, पर बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि यू नो थोड़ी मैच्योर लेडी अगर होती फॉर एग्जांपल विद्या बालन तो वो ज़्यादा सूट होती है उस रोल में, आलिया जो है वो थोड़ी बच्ची लग रही है। आई थिंक दैट गिविंग अपॉर्चुनिटीज इज गुड, सो इफ आलिया इज डूइंग समथिंग गुड एक्सेप्शनल सो दैट इज गुड आई फील पर्सनली, सो या इट्स गुड लाइक आलिया बट इज approached for that role and she is doing that according to the trailer, that's very good, so yeah I think that is okay. So abhi covid chal raha tha obviously koi movies release nahi ho rahi thi theaters mein, to aap kahan dekhna chahengi Gangubai ko? Theater mein ya ghar pe? Theater obviously. Jaate jaate kuch bolna chahengi Alia Bhatt ke liye? She is good, please do visit and watch. Yeah, thank you. Thank you. Sabse pehle to FIFA Fooz mein aapka bahut bahut swagat karna chahungi. हाय, यू नो बहुत सारी मूवीज़ लाइनअप है थिएटर्स में आने के लिए, फॉर एग्जांपल गंगूबाई का ट्रेलर अभी रिलीज़ हुआ है, पठान, राधे, सत्यमेव जयते 2, तो आप कौन सी मूवीज़ देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? एक्चुअली गंगूबाई आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक आलिया भट्ट एक तो शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस अकॉर्डिंग टू मी एंड शी इज़ गोइंग टू डू अ डिफरेंट रोल अकॉर्डिंग टू हर एज, क्योंकि शी इज़ लाइक इतनी एज वाली वो है नहीं बट शी इज़ डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट and the story is far more interesting because from the place where Gangubai comes and the place where she lands in at the end, that is something very interesting and different, and yeah, that's the trailers agar aapne dekhe to aapko kaisa laga trailer dekhe? Yeah, trailer is very good, matlab ab tak I think Alia Bhatt is doing a very different role ab tak jo kiya hai usse bahut hi hatke hai, so yeah I'm very much excited for the same. सी इट्स लाइक अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, सो वैसे एवरी वन हैज़ डिफरेंट व्यूज, सो मे बी एक्चुअली इट्स चैलेंजिंग बट वो जैसे मूवी आता है द वे इट गोज अहेड तभी पता चलेगा कि इट्स वेदर इट्स सूटेबल और इट्स नॉट सूटेबल, बट अब तक तो लग रहा है कि इट्स गोना गो वेल। थिएटर्स इफ पॉसिबल, अगर इफ द सिचुएशन इज गुड। थैंक यू। सबसे पहले तो फीफा वूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। यू नो बहुत सारी मूवीज आने वाली है थिएटर्स में, तो आप कौन सी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड? फॉर एग्जांपल गंगूबाई का ट्रेलर रिलीज हुआ, KGF 2 चैप्टर 2 भी आ रहा है, एंड पठान और सलमान खान की भी आ रही है राधे, क्या कहना चाहेंगे कौन सी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड? कैसा है कि व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल इंडियन सिनेमा बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है,
सो आई थिंक सो जब थिएटर्स की बात आती है तो आई वॉज रियली वेटिंग फॉर KGF कब आएगी. ऑल्सो आई एम अ रोहित शेट्टी फैन, सो सूर्यवंशी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. कैसा है कि मैं दोस्तों के साथ जाना प्रेफर करता हूँ कभी थिएटर, क्योंकि इट्स लाइक अ फेस्टिवल, मज़े करने हैं उनके साथ. सो आई विल डेफिनेटली वोट फॉर KGF 2, देन सूर्यवंशी, एंड ऑफकोर्स आई विल नॉट फॉरगेट द 83 मूवी ऑल्सो ऑफ रणवीर सिंह, बिकॉज कैसा है कि क्रिकेट सबका पैशन है इंडिया का. सो आई एम ऑल्सो ईगरली वेटिंग फॉर 83. थैंक यू. विच मूवी यू आर गोना फॉर श्योर बी वॉचिंग, फॉर एग्जाम्पल यू सेड KGF? कैसे है कि अगर पिछले साल हम लोगों ने कुछ मूवीज़ ही नहीं देखी, सो डेफिनेटली ऐसा वोट तो नहीं होगा, सब मूवीज़ देखने जाएंगे. हाँ, कुछ भी करके सब मूवीज़ देखना है और मज़े करने 2021 में. कैसा है कि KGF इज़ नॉट ओनली इंडिया बेस्ड, नाउ इट इज़ वर्ल्ड वाइड क्रेजीनेस ऑफ KGF. So Yash is definitely not a superstar for Indian audience. It is now a superstar for all over the world. So definitely वो यश का पैशन है ही. सो KGF भी अच्छी है, पर मेन मतलब मज़े करने जा रहे हैं. थैंक यू. सबसे पहले तो फीफा वूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. थैंक यू. है ना, बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं, तो आप कौन सी मूवी देखने के लिए एक्साइटेड है, जैसे कि गंगूबाई, पठान, राधे, क्या लगता है? गंगूबाई. मैम आलिया भट्ट का फ़ैन नहीं हूँ, उसके एक्टिंग का फ़ैन हूँ मैम. अच्छा. आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत मस्त है, उसको खून में एक्टिंग मिली है, जो कि हम उनके पापा यानी कि महेश भट्ट सर, वो एक अलग ही लेवल की मूवीज़ बनाते हैं, और उन आलिया भट्ट के खून में ही एक एक्टिंग का कुछ कीड़ा है, जैसे कि रणबीर कपूर हो गया. उन सबको ऐसे एक्टिंग ऐसे विरासत में मिली है, हम बोल सकते हैं. तो गंगूबाई के लिए ऐसा बोला जा रहा है, बहुत सारे जो उनके फैंस हैं उन बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो बोल रहे हैं कि वो रोल के लिए फिट नहीं है ना, वो थोड़ी छोटी कोई ऐसे दमदार लाइक विद्या बालन एंड ऑल चाहिए थी, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी काठियावाड़ी हूँ और गंगूबाई भी काठियावाड़ी है, तो मैं वही बोलूँगा कि हाँ, उसके लिए कोई अच्छा सा ऐसे फिट बॉडी वाले या कुछ ऐसे एक्ट्रेस होती तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी आलिया भट्ट के एक्टिंग से वो सबके दिल जीत लेती है. अरे कुछ भी हो जाए, आलिया भट्ट दमदार है और दमदार ही रहेगी. okay, वो एक्टिंग बोलती है. ओके, थैंक यू. सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. थैंक यू. अरे ना, बहुत सारी मूवीज लाइन अप है, तो आप कौन सी मूवीज़ को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? वो जॉन अब्राहम की अभी आ रही है, हाँ, सत्यमय विजयते 2. वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड है. क्योंकि अभी कोविड चला था, कोई भी थिएटर्स में नहीं गया था, तो क्या अभी थिएटर्स में देखना चाहेंगे या फिर घर पे? नहीं नहीं, थिएटर में ही, फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है. उसकी मूवी मैं छोड़ता ही नहीं हूँ. ओके, आपके फेवरेट है? हाँ, हमारे फेवरेट है. ओके, सलमान और शाहरुख की भी आ रही है, यू नो, पठान एंड राधे, तो क्या बोलना चाहेंगे? अगर बोलूँ तो दोनों में से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर कौन सी जाने वाली है, या फिर आपके फेवरेट जॉन अब्राहम की जाएगी? हमारे फेवरेट तो जॉन अब्राहम ही है. अब शाहरुख खान और सलमान खान तो उसके लेवल से अलग है, लेकिन जॉन अब्राहम का उसके अलग ही फैन फॉलोइंग नहीं है, इसलिए हम तो वही देखेंगे. सत्यमेव जयते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. थैंक यू. यू नो, बहुत सारी मूवीज लाइन अप है, राधे लाइन अप है, लाल सिंह चड्डा, सत्यमेव जयते 2 और पठान भी आने वाली है, तो आप कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? सत्यमेव जयते 2. ऐसा क्यों? जॉन अब्राहम आपके फेवरेट है? नहीं, दिव्या खोसला कुमार, वो बहुत प्यारी लगती है. हाँ, तो अभी क्योंकि कोविड चल रहा था तो नोबडी वाज वाचिंग मूवीज इन थिएटर्स, तो अभी क्या थिएटर्स में देखना चाहेंगे कि घर पे देखना चाहेंगे? फिलहाल के लिए सेफ्टी के लिए तो घर पर ही थिएटर्स, अभी जब सब थोड़ा और ज़्यादा नॉर्मल हो जाए तो थिएटर्स, अभी फिलहाल के लिए घर पर ही सेफ, इसलिए. okay. सलमान और शाहरुख की भी मूवीज आने वाली है, पठान एंड राधे, तो क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा ब्लॉकबस्टर कौन जाने वाला है? मेरे तो सलमान खान राधे, क्योंकि उनका मतलब थोड़ा उनका ट्रेलर्स वगैरह वो आए, इसी वो थोड़ा अच्छे लगे मुझे, इसीलिए. तो अभी फिलहाल किसको देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं थिएटर्स में आप? सत्यमेव जयते 2. थैंक यू. वेलकम. सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी. थैंक्स यू. यू नो, थिएटर्स में अभी रिलीज़ होने वाली हैं बहुत सारी फिल्में, तो आप कौन सी फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है? जैसे कि लाल सिंह चड्ढा आ रही है, आमिर खान की, गंगूबाई का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, पठान आने वाली है, और शाहरुख की सत्यमेव जयते 2 आने वाली है, तो आप कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? पठान, शाहरुख खान की.
उसमें जो है वो सलमान खान केमियो भी कर रहे हैं, मतलब छोटा सा रोल है उनका, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सलमान खान की भी राधे आने वाली है, तो कौन सी मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है? पठान, शाहरुख खान माई फेवरेट। शाहरुख खान आपके फेवरेट है। तो अभी क्योंकि कोविड चल रहा था, थिएटर्स में कोई मूवी रिलीज नहीं हुई थी, तो क्या आप थिएटर्स में देखना पसंद करेंगे या फिर अपने घर पे? अगर थिएटर खुल गए तो थिएटर में, वरना तो अपने घर पे। क्या लगता है पठान, और अगर मैं सलमान खान और शाहरुख खान की बात करूँ, दोनों आमने सामने राधे और पठान, तो कौन सी मूवी जो है वो ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जाएगी? पठान जाएगी। पठान जाएगी, क्यों? शाहरुख खान इस वक्त नंबर वन पर है, जो बात है। सबसे पहले तो फीफा फूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। यू नो बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं, सलमान की आने वाली है, शाहरुख की पठान आने वाली है, सलमान की राधे आने वाली है, सत्यमेव जयते 2 आने वाली है, इब्राहिम जॉन इब्राहिम की, तो क्या कहना चाहेंगे, कौन सी मूवी देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? मैं तो सलमान खान का फेवरेट हूँ, मैं तो राधे फिल्म, हाँ राधे फिल्म, राधे देखूंगा मैं तो। पठान में भी जो है वो सलमान खान एक छोटा सा रोल कर रहे हैं शाहरुख के साथ, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, शाहरुख खान का ही फैन हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा सलमान खान का ज़्यादा फैन हूँ, पर मैं राधे फिल्म देखने के लिए स्टैंडर्ड हूँ। अच्छा, तो कहाँ देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोविड चल रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, पर अब थिएटर्स में धीरे धीरे मूवी रिलीज हो रही है, तो सलमान खान की मूवी कहाँ अच्छी लगती है आपको, थिएटर्स में या घर पे? देखने में तो थिएटर में मज़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, पर अब कोविड चल रहा है इसलिए घर पे देखने में मज़ा आएगा, ज़्यादा आएगा। क्या लगता है शाहरुख और सलमान अगर आर पार रहेंगे पठान और राधे में से, तो कौन सी मूवी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर जाएगी? वैसे तो मैं सलमान खान का फेवरेट फैन हूँ, वैसे मैं सलमान खान को सपोर्ट करूँगा, पर मैं सलमान खान की राधे देखने जाऊँगा ब्लॉकबस्टर। हाँ, थैंक यू सो मच, वेलकम।